नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है, गरीबों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव की मनमानी के चलते पात्रों को नहीं मिल सका लाभ। पन्नी व झोपड़ी डालकर जीवन हो रहा है बसर। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मकान की क्या हालत है। मकान की छत एक लकड़ी का सहारा देकर अपने छोटे छोटे बच्चों व पत्नी के साथ जीवन बसर कर रहे हैं जयवीर सक्सेना और कोस रहे हैं खुद को। हे भगवान, न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं। ये तस्वीर उन नेताओं और अधिकारियों के लिए है जो कहते हैं हाँ सबको आवास मिल गया, सब सही है, तो फिर ये टूटे घर में रहने को क्यों मजबूर हैं? आखिर कहानी क्या है? एक तरफ सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है लेकिन ये सब योजना एक कागज में सिमट कर रहेगी। आवेदक ने 3 साल पहले राशन कार्ड बनवाया था लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा है राशन। कोई पूछे इनके परिवार से कोरोना काल में बिना काम के बिना राशन का इनका जीवन कैसे गुजरा होगा। विकासखंड जागीर क्षेत्र के गांव एलाव निवासी रेणु देवी पत्नी जयवीर भुर्जी को आवास नहीं मिल सका। गरीब परिवार बच्चे मकान में झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या दिक्कत है आपकी आवास की? दिक्कत जय आएगी, गरीब को नहीं आएंगे, कोई सुनता ही ना आएगा। अच्छा, ऑनलाइन कराया था आपने? ऑनलाइन कराया था, भाई के साथ वापस हो जाते हैं। राशन कार्ड मिलना है रहो है तो 6 साल ही 5-6 साल सुनते हैं ना। राशन भी नहीं, आवास आया था आपका? आवास आया था, लौट गया। अच्छा, मिला नहीं आपको? मिला नहीं। मकान कैसा है आपका? मकान सब गिरो ठाड़ो है गो, कच्चा मकान है गो, धन लगी नीचे तो बाल बच्चे 3 आएंगे छोटे छोटे, लेटा तो भीतर हम लोग लेटा आएंगे। नाम है आपका? जयवीर। गांव एलाव। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारा पहले नंबर पे कॉलोनी थी वो भी नहीं मिल पाई पैसों की वजह से। उन्होंने कहा हमें 20,000 रुपये दो और क्या नाम, इसलिए नहीं मिल पाई। और फिर हमें दूसरे नंबर पे वो बोले कि अंदर हमारा मकान टूटा हुआ है, धन भी कभी भी गिर सकती है, आप हमारा अंदर जाके देख लो, अगर रहने लायक हो तो देव, आप ना हो तो साफ पति मत दो। तो आपने ऑनलाइन कराया था आवास? ऑनलाइन करवाया था, पहले नंबर पे हमारा था, उन्होंने फिर हमें दिया ही नहीं। अच्छा, और राशन की क्या समस्या आपकी? राशन की समस्या ये है, राशन कार्ड उन्होंने हमारे घर पे बनवा के भिजवा दिया था और फिर हम वहाँ राशन लेने के लिए गए थे, फिर वो हमें हमसे लड़ाई लड़ने लगे, गाली वाली देने लगे, उन्होंने हमें राशन ही नहीं दिया। फिर अच्छा, फिर हम घर चले आए, ऑनलाइन करवाया, ऑनलाइन करवाते हैं फिर वो मैसेज वापस आ जाता है, फिर वो हमें ना कुछ बताते हैं ना कुछ। तो सरकार से क्या निवेदन है आपका? सरकार से यही है, आप हमारा घर देख लो, अगर देने लायक हो तो दो, आप ना हो तो कोई दिक्कत नहीं।